रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बात की जाए तो दो दिन पहले ही डोरंडा ट्रेजरी मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए जुर्माना लगाया था। ऐसे में अब जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है, उनकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। लालू यादव समेत 75 अभियुक्तों को सजा सुनाने वाली कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है जिससे लालू परेशानी में पड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल लालू प्रसाद समेत चारा घोटाले मामले के सारे दोषियों को अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का शिकंजा भी कसेगा। डोरंडा कोषागार में 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के जिस केस में सोमवार को लालू समेत 75 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई थी, उस केस को ईडी ने टेक ओवर कर लिया है। लालू यादव समेत सभी दोषियों और इस केस की सुनवाई के दौरान मर गए अभियुक्तों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम में केस दर्ज होगा और उनकी संपत्ति की जांच की जाएगी। सीबीआई कोर्ट के जज सुधांशु कुमार शशि ने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजा का ऐलान करते हुए ईडी को जांच का आदेश दिया था। बता दें कि अदालत ने लालू प्रसाद को 5 साल का सश्रम कारावास और 60 लाख रुपये जुर्माना लगाया था। चारा घोटाले की सुनवाई करने वाली सीबीआई कोर्ट ने यह भी कहा कि सजा पा चुके दोषियों की नहीं बल्कि वैसे अभियुक्त जिनकी ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है उनके खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच की जा सकती है। जांच में अगर ये पाया जाता है कि चारा घोटाले के पैसे से अवैध संपत्ति अर्जित की गई है तो ईडी कानून सम्मत कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से अर्जित की गई चल अचल संपत्ति को जब्त कर सकती है। हम आपको बता दें कि चारा घोटाला का ये तीसरा केस है जिसमें कोर्ट ने ईडी को जांच करने को कहा है। इससे पहले दुमका कोषागार से अवैध निकासी के संबंधित 2 केस के फैसले में भी कोर्ट ने ईडी को जाँच का आदेश दिया था। ईडी ने उन केस को टेक ओवर कर जांच शुरू किया है। दुमका कोषागार से चारा के नाम पर 3.76 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव समेत 19 अभियुक्तों को सजा दी गई थी। सजा सुनाने के दौरान कोर्ट ने सजा पाने वाले दोषियों के साथ साथ 13 मृत अभियुक्त के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच करने और 1990 के बाद अर्जित संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया था। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है उसके बाद देखने वाली बात होगी कि अब जब उन्हें सजा सुनाई गई है और अब उनके संपत्ति जब्त को लेकर जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं तो आने वाले समय में जब ईडी इस पूरे मामले पर छानबीन करती है तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये देखना दिलचस्प होगा।